है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक न्यू शानदार और बढ़िया वीडियो के साथ। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि हम जो भी न्यू अपडेट डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको बस सिमुलेट इंडोनेशिया से रिलेटिव हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, आज का वीडियो है जेड बस का, जिसके ऊपर न्यू और बिग लगेज ऐड किया है, जो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक एंड बढ़िया लुक दे रहा है इसको। पहले इसके ऊपर जो लगेज था वो इसको ज़्यादा बढ़िया लुक नहीं दे रहा था, और अब जो लगेज है आप देख सकते हो फुल बिग साइज़ का लगेज आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक के साथ इसको साइड में एक सीटी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से। आप देख सकते हो ये साइड में जो ये सीढ़ी लगी हुई है, ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक दे रही है। उसी के साथ बस के आगे दो आपको न्यू जो मिरर है वो भी देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट मिरर आप देख सकते हो, छोटे छोटे दो मिरर जो पहले नहीं थे, और इसी लगेज OBB के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से है कुछ ये लगेज। तो मैं फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कैसे ऐड करना है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर कमेंट करोगे कि भाई नहीं हुआ, फेक वीडियो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रियल वीडियो है, और इसके OBP फाइल आपको ऐड करनी है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ से ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोड लिंक है वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको अपने ZR रिसीवर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर आपको एक जो फाइल बनकर आएगी, जो डाउनलोड फाइल है, आप देख सकते हो कि यह आपको फाइल ये ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और एक्सचेंज कर देना है। पासवर्ड उनके वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पासवर्ड देखकर इसमें डालना है। तो यहाँ से आपके उसी नाम की न्यू फाइल बनकर आ जाएगी जो अनजिप है, तो आपको उसमें जाना है, और उसमें दो फाइलें आपको देखने को मिल जाएगी, जो इन दोनों को लॉन्ग प्रेस कर लेना है और दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से इन दोनों को कॉपी कर लेना है, और आपको आ जाना है बैक। बैक आकर आपको एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में जाकर OBP में जाना है। यहाँ पर com.melio की फाइल है, उसमें जाना है, और इसमें असेंस बीन और डेटा में जाकर आपको सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है। ऐसा करने से जो आपके लगेज फाइल है वो जेडबस पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने लगेज, यह फाइल ओनली जेडबस के ऊपर ही ऐड होगी और किसी बस पर ऐड नहीं होगी, वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी बस के ऊपर यह लगेज ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।